हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम शिक्षाष्टक पे चर्चा कर रहे थे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो आज चर्चा करेंगे विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम, जीवन का मतलब होता है प्राण, और विद्या का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, और वधु का मतलब होता है पत्नी, है ना। वधु बोलते हैं ना, वर वधु, वधु का मतलब होता है पत्नी या वाइफ। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है द लाइफ ऑफ वाइफ ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की जो पत्नी है उसका जीवन, है ना। विद्या वधु जीवनम, ज्ञान जो है उनकी जो पत्नी है उनका जीवन, ये इसका लिटरल मीनिंग है। और इसको थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जी के, शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो बोलते थे कि जैसे एक पत्नी होती है, वो नेचुरली क्या करती है, स्वाभाविक रूप से अपने पति का आज्ञा पालन करती है या पति को फॉलो करती है, उसी प्रकार से ये जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये क्या करता है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को फॉलो करता है। जाप का जो है, जैसे एक पत्नी होती है वो अपने पति के, पति की सारी बात मानती है, पति के पीछे पीछे जा चलती है। आइडियल पत्नी की बात हो रही है, वैसे आजकल इस तरह के जो है, वैदिक समय में ऐसा ही होता था कि जो पत्नी होती थी वो पति की आज्ञा का पालन करती थी, आज्ञाकारिणी। वैसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप किया जाता है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका अनुशीलन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं उनको धीरे धीरे सारा दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता है हृदय के अंदर। तो दिव्य ज्ञान मतलब क्या? दिव्य ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है ये जानने से कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है, ये जो है एबीसी है। आध्यात्मिक जगत का एबीसी क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये स्टार्टिंग है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो जो दिव्य ज्ञान होता है वो शुरुआत होता है यहाँ से कि मैं ये जानना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और दिव्य ज्ञान खत्म कहाँ होता है? ये जानने से कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। यहाँ जब ये हमको रियलाइजेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान की पूर्णता है। तो अभी तो हमारा सबका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुआ है, हम सब लोग साधक हैं, तो अभी तो हम इस चीज को भी रियलाइज नहीं कर पाए हैं कि हम पूरी तरीके से आत्मा हैं। हम बोलते हैं हम आत्मा हैं, लेकिन इसको रियलाइजेशन हमको हुआ नहीं है, है ना। जब जब हम शरीर मानते हैं अपने आप को, थियोरेटिकली बोलते हैं हम आत्मा है लेकिन शरीर मानते हैं, तो दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है ये मानने से कि मैं इसका रियलाइजेशन हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और इसका पूर्णता होती है जब कृष्ण के साथ हमारा स्पेशल जो है रिलेशनशिप है, जो कि भक्ति की पूर्णता पे, जब भक्ति पूर्ण हो जाएगी हमारी, पूर्ण मतलब सिद्ध हो जाएगी, जब हम हमारे जो हमारा भक्ति अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगा, जिसको पूर्णता बोलते हैं, तो अपने आप कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है वो रिवील होगा हमको, हमको पता लग जाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं ये जो हरि नाम का जो पुष्प है, कल हमने चर्चा किया था कि हरि नाम को जो है कंपेयर किया गया था किससे, चंद्र की किरणों से, है ना, मून बीम्स, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम। आज जो हम बता रहे हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज नाम महात्म्य, नाम महात्म्य एक उन्होंने रचना किया है, उसमें 7वें नंबर श्लोक में बोलते हैं ये जो हरि नाम रूपी पुष्प है, हरि नाम को फूल से कंपेयर किया गया है, फूल से। तो ये जो हरि नाम रूपी पुष्प है
जब ये पूरी तरीके से खिल जाता है, कोई भी पुष्प पूरी तरीके से खिल जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये जो पुष्प होता है ये मुझे ब्रज के अंदर लेके जाता है, ब्रज मतलब वृंदावन। जब ये हरि हरि नाम रूपी पुष्प पूरी तरीके से खिल जाता है तो ये मुझे ब्रज के अंदर लेके जाता है। और क्या करता है, ब्रज के अंदर लेके जाता है और क्या करता है, मुझे इसका ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है, है ना, कि मेरा क्या स्वरूप है, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, ये इसका रियलाइजेशन कराता है। और ये जो नाम है यही मुझे जो है आध्यात्मिक नित शाश्वत आध्यात्मिक शरीर जो है प्रदान करता है। और मुझे कृष्ण के, है ना, कृष्ण का जो है कृष्ण के साथ साथ रखता है। और जो भी अनर्थ है, जो भी चीज है जो इस भौतिक जगत से रिलेटेड है, उसको ये नष्ट कर देता है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं आज की चर्चा का, कंक्लूजन क्या है कि चैंटिंग करना अपने आप में सफिशियंट है, और अगर हम अपना संबंध भगवान के साथ बनाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, अगर हम जप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हमको और कोई चीज चाहिए ही नहीं। केवल जप करने मात्र से हमारा जो वास्तविक संबंध है कृष्ण के साथ, वो हम इसको जो है ये जप जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, ये इसको धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट कर देगा कि हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। हमको और कोई प्रोसेस नहीं चाहिए। कई बार लगता है लोगों को कि इस्कॉन के अंदर जो है केवल जप करने से कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। पहले तो लोग इतना तपस्या करते थे तो कई बार लोगों को लगता है कि जप करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जप करने से ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए हमको शक नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए जप के अलावा, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र तो काफी नहीं है, कोई दूसरा मंत्र भी करना चाहिए, नहीं। श्रद्धा रखना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र करने से एक दिन हम अपना संबंध जान पाएंगे कृष्ण के साथ। इसी को बोलते हैं विद्या वधु जीवनम। तो इसलिए जो है हम बहुत सीरियसली चैंटिंग करें। जब चैंटिंग करेंगे सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करते हुए, तो हम इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे धीरे धीरे कि हमारा कृष्ण के साथ, अभी थ्योरेटिकली हम जानते हैं कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है, अनुभव नहीं है। तो वो आएगा जब हम धीरे धीरे चैंटिंग करेंगे। तो इसलिए हमको बहुत सिंसियरली चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्ण श्री हरि नाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम।